है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि राम जी का चरित्र चाहे जितना श्रवण करो, राम चरित जे सुनहि अगाही अगाही अगहा जाओ, लेकिन जो उसमें सार तत्व छिपा है, रामचरित जे सुनहि अगाही रस विशेष जो उसमें रस छिपा हुआ है, सार तत्व छिपा हुआ है, और उसको मनुष्य जान ले, अगर उसकी मनुष्य परख कर ले तो वही सभी शास्त्रों से परे है। इसलिए एक भजन सुनाती हुई मैं थोड़ा सा एक भजन सुनाऊंगा। देखकर राम जी को जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, जब फूल लेने के लिए गए। और थोड़ा सा मानस पर चर्चा करेंगे, अगर आपको बोरियत महसूस है, नहीं महाराज जी ने तो सारा बोर आपको कर दिया, लेकिन जाइएगा नहीं प्लीज़, मेरा रिपोर्ट है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चर्चा करूँगा, आप लोग जाने लगेंगे फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, एक भजन सुनाएंगे। बोले देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। Thank you.
बहुत बढ़िया, आप लोग जाइएगा नहीं, थोड़ा सा भगवान का नाम का कीर्तन, फिर थोड़ा मानस की चर्चा करेंगे। तो हम यही सदैव भगवान से प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, हमारा जीवन आपके चरण में समर्पित रहे। कैसे?